हेलो क्लास, अब हम आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5th द चाइल्ड एंड डेज, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम थी जिसमें हमने दिनों के बारे में पढ़ा कि वीक्स में कितने दिन होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली आप छोटे बच्चों के हिसाब से पोयम को डिस्क्राइब किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि वीक्स में 7 डेज होते हैं और कौन कौन से दिन कौन से बच्चे अगर बॉर्न हो तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से पोएट ने बच्चों के प्रस्पेक्टिव को देखते हुए ये पोयम आपको समझाया हमने, और इसके साथ ही हमने इसके कुछ एक्टिविटीज़ थे जो पिछले वीडियो में किए थे, अब हम उसके आगे की एक्टिविटीज़ को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो थी आपके आंसर द क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज अ वीक हैज़, राइट देयर नेम्स ऑल्सो। अब इसमें पूछा है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो जैसे आप सबको मालूम है, आंसर में लिखेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, कौन कौन से ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप ये सारे दिनों के नाम एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वो हम स्किप करेंगे, वो आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू सैटरडेज चाइल्ड एंड व्हाई। अब सैटरडेज के जो बॉर्न होते हैं चाइल्ड, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, तो आंसर में लिखेंगे सैटरडेज चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर इट्स लिविंग। सैटरडेज के चाइल्ड कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग करने वाले होते हैं, जो अपने जीवन में आगे तरक्की करते हैं और हार्ड वर्क के थ्रू सक्सेस होते हैं। ओके, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, गिव द क्वालिटी ऑफ चाइल्ड दैट बॉर्न ऑन संडे। संडे को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं उनकी क्वालिटीज़ यहाँ पर आप लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे संडेज चाइल्ड आर लविंग एंड गिविंग एंड ब्राइट ऑल डे। संडेज़ के चाइल्ड में जो संडेज़ को जो बॉर्न होते हैं वो चाइल्ड कैसे होते हैं, वो लवेबल होते हैं, सबका प्यार पाते हैं और सबका प्यार देते भी हैं, और ब्राइट ऑल डे यानी कि बहुत ही जॉयफुल होते हैं। जैसे कि हमने इस पोयम के अकॉर्डिंग ही हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ना, तो उसमें संडे के बच्चे का जो बॉर्न होता है उसकी ये क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वो बहुत जॉयफुल होता है और प्यार लेता है और प्यार देता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं बुक में, पर हम यहाँ पर 3 करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे। इसके बाद आपकी ई एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको अपोजिट्स मैच करने हैं, आपको ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं 1 to 5, इसके अपोजिट्स देखकर उसको मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मतलब सुंदर। सुंदर का अपोजिट क्या होगा, गंदा या भद्दा, या तो फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं अगली। तो ब्यूटीफुल को आप यहाँ पर अगली है उसके साथ मैच करेंगे। सेकेंड है आपका स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कलेक्ट। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, तो ये कलेक्ट के साथ आप स्प्रेड को मैच करेंगे। थर्ड है आपका बिल्ड। बिल्ड यानी बनाना। बनाना का अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय यानी कि बिखेरना, तो ये बिल्ड को आप डिस्ट्रॉय के साथ मैच करेंगे। लव, लव यानी प्यार। प्यार का अपोजिट हेट यानी कि नफरत, तो फोर्थ है आपका लव, उसको आप ये हेट के साथ मैच करेंगे। फिफ्थ है आपका ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहादुर। बहादुर का अपोजिट क्या होगा, कावर्ड यानी कि डरपोक, तो ये ब्रेव को आप फिफ्थ को फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है कावर्ड उस पे मैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वीडियोस में जो ही एक्टिविटीज़ बताई हैं और जो बताया है वही आप नोटबुक में करेंगे और वही आप लर्न भी करेंगे। तो बच्चों अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखिए। यहाँ पर आपका ये 5th चैप्टर 5th पोयम भी ऑल द एक्टिविटीज़ के साथ में ख़त्म हो जाता है। 1 वीक के आपको टाइम दिया जाता है, तो उसमें अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।